तो कहानी की शुरुआत होती है बाबा पोपटलाल से, जो अपने चेलों को जादू मंत्र की और रूप बदलने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और ऐसे ही एक चेले होते हैं तांत्रिक घोरपड़े। घोरपड़े जो सकल से मासूम और अंतर मन से जानलेवा कार्टून है, जिसकी सर्विस से खुश होकर बाबा पोपटलाल उसे एक वरदान देने की बात कहते हैं। और क्या चाहता है, इस संकोच होकर मांग, हम तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। फोकट में मिले वरदान से घोरपड़े एक पिंजरे की डिमांड करता है। मुझे उस सिद्धि का ज्ञान दीजिए जिसे वो पिंजरा तैयार होता है। और ये कोई मामूली चिड़ी मार पिंजरा नहीं, इस पिंजरे में प्रवेश करते ही बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष की भी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। और बाबा पोपटलाल बोलते हैं, मुझे अपने आप से अधिक कुछ पे विश्वास है। ऐसा बोलते ही बाबा पोपटलाल अपने हथेली को गोटी जैसे दिखने वाले मोती से भर के घोरपड़े को दे देता है, जिससे वो जादुई पिंजरा तैयार होता है। मोतियों को पिरो कर माला बनाएगा तो पिंजरा तैयार हो जाएगा। और ये चिड़ी मार की औलाद पिंजरा तैयार करते ही बाबा पोपटलाल से बोलता है, पिंजरा तो तैयार हो गया, आज्ञा हो तो इसकी परीक्षा कर ले। तांत्रिक घोरपड़े पिंजरे को टेस्ट करने के लिए बाबा पोपटलाल को सच का पोपट मीन्स पैरोट बना के एक बार पिंजरे में प्रवेश करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन बाबा पोपटलाल को पिंजरे में प्रवेश करते ही घोरपड़े के इरादे बदल जाते हैं। परीक्षा हो गई पुत्र, अब तो बाहर निकाल। बाबा जी तेरा रंग दे बसंती चोला और तू है बहुत भोला, ये क्या किया आपने। और इस प्रकार बाबा पोपटलाल अगले 15 साल के लिए चिड़ी मार के कैद में कैदी बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ के जमींदार चरमराते हुए गुस्से में चिंगाड़ते हैं, और ऐसे ही जमींदार और घोरपड़े के बीच कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन देवियों और सज्जनों घोरपड़े इज्जत तांत्रिक और वो जमींदार के पीछे आग का गोला छोड़ देता है, और ये आग का गोला फाड़ के जमींदार का झिंगोला बना देता है उसे भरवा करेला। करेला इस बात से गुस्सा होकर जमींदार की माता जी तांत्रिक घोरपड़े को श्राप देती है। लेकिन भैया तांत्रिक घोरपड़े श्राप को डकार जाते हैं और जमींदार की माता जी को भी मार डालते हैं। उधर तांत्रिक घोरपड़े जैसे ही सुबह सुबह चाय की चुस्की लेने के लिए उठता है, उसे पता चलता है कि उसका अंगूठा किसी ने चूस लिया है। इस कोण की समस्या के समाधान के लिए घोरपड़े बाबा पोपटलाल की सलाह लेता है। जी भर के खिल्ली उड़ाने के बाद बाबा पोपटलाल सोल्यूशन बताते हैं। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुझे अमर कुंड में स्नान करना होगा, किंतु उस अमर कुंड तक पहुंचने के लिए तुझे इच्छाधारी नाग की मणि प्राप्त करनी होगी। गुरुदेव की एडवेंचर एडवाइस सुनने के बाद घोरपड़े निकल पड़ता है नागमणि की तलाश में। उधर नाग नागिन हवा में उड़ते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। एंड दे आर जस्ट लाइक अरे मोदी जी बस कीजिए, इंडियन आइडल नहीं चल रहा है। यहाँ नागो भैया नागमणि की उल्टी करता है, और भैया इसके बाद क्या, नाग नागिन इंसानी रूप में आते हैं और आगे आप तो समझ ही सकते हैं। घने जंगल में रात के अंधेरे में दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले। अब भाई साहब बोलना क्या है, जमकर स्नेक डांस होता है। इधर तांत्रिक घोरपड़े नागमणि के चक्कर में स्नेक डांस का मजा किरकिरा कर देता है, और इधर नाग नागिन नागमणि उठा के जान बचा के हड़ बड़ा के भागते हैं। अब भाई लोग जान बचाने के लिए ये लोग सांप बन के भागते हैं। और अरे भाई साहब, जब डांस करना था तो पिछवाड़े में जेट लगा के उड़ते हुए आए, और जान बचाने की बारी आई तो जमीन में लथुड़ते हुए भाग रहे हैं। बताओ कितने मंदबुद्धि हैं ये दोनों। बट तांत्रिक घोरपड़े इज अ स्मार्ट मैन, और वो बीन बजाना चालू करते हैं, और नाग नागिन बन के बच्चे पहन के कच्चे भागते हैं। एंड घोरपड़े भी लाइक, और ये दोनों भागते भागते मेले में घुस जाते हैं।
और यहीं पे दिखाया जाता है नागू के डुप्लीकेट काजू को जो अपने परिवार के साथ मेले में विचरण करने आया है। यहाँ नागू और नागिन मेले में बिछड़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद नागू अपने डुप्लीकेट काजू को देखता है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। उधर तांत्रिक घोरपड़े के मंद बुद्धि चेले नागू के बदले काजू को किडनैप कर लेते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? लेकिन नागू भाई साहब काजू को बचा लेते हैं और इधर काजू के घर वाले नागू को काजू समझ के ले जाते हैं। इधर नागू भी घोर पड़े के डर से इनके साथ चला जाता है। अब भैया घोर पड़े को अचेत अवस्था में काजू मिलता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब भैया तांत्रिक घोर पड़े काजू को नागू समझ के उसके आगे बीन बजाता है। उससे भी मन नहीं भरता तो चावल फेंक के मारता है और मारता है, तीसरी बार भी मारता है। एंड देन बाबा पोपट लाल बताते हैं ये उसका हमशक्ल है। हमशक्ल? इस बात से चिरमिरा के तंत्र घोर पड़े काजू की कतली बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भैया जितनी नहीं घोर पड़े की क्षमता, उसकी बीवी की जाग जाती है माँ की ममता और वो बोलती है उधर काजू के होश में आता ही पता चलता है कि उसकी मेमोरी फॉर्मेट हो चुकी है। चोट लगने से अपनी पिछली जिंदगी भूल गया। अब क्या होगा? क्या होगा? उधर छोटे नागिन अपने नागू को जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी ढूंढती है लेकिन वो मिलता नहीं। और तभी रात के अंधेरे में दो बंजारे टहल रहे होते हैं और उनकी नजर पड़ती है छोटी नागिन पे। और वो छोटी नागिन इन बीन बजाने वाले बंजारों के साथ चलने को तैयार हो जाती है। ऊपर वाले ने चाहा तो तेरा बिछड़ा हुआ साथी जरूर मिल जाएगा। अरे देवी जी, लेकिन आपको तो बीन से तकलीफ होती है। इधर ये घर वाले नागू को इमोशनल ब्लैकमेल कर करके उसको कसम खिला देते हैं। और ये नागू कसम के बदले वचन देता है। रोजी रोटी कमाने के लिए छोटी नागिन इन बंजारों के साथ गली गली डांस करती है और रोटेशन मार मार के नादान से जवान हो जाती है और फिर ये डांस करती है। साले पूरी जिंदगी निकल गई डांस करते करते, लेकिन नाचती रह जाती है नागिन आजू बाजू, लेकिन मिलता नहीं उसका काला नागू। इधर नागिन को नागू नहीं मिल रहा है और उधर घोर पड़े को नागमणी नहीं मिल रहा है। और बाबा पोपट लाल बताते हैं कि 6 महीने बाद तेरी बॉडी की एक्सपायरी डेट है, उसके बाद तेरे शरीर का एक एक अंग हल्का के गिरेगा। अब बाबूजी घर में मेहमान लेके आते हैं जिसमें उनके बचपन के दोस्त नमस्ते भाभी जी और उनकी बेटी फटाकड़ी होती है। क्योंकि इनका प्लान होता है बढ़ाने को देश की आबादी, इसलिए कराना चाहते हैं नागू और फटाकड़ी की शादी। वाह क्या शेर सुनाया। अब यहाँ फटाकड़ी नागू को कमरे में लेके जाती है क्योंकि वो उसे अकेले में कुछ दिखाना चाहती है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, आइए देखते मजा आएगा। और देवी जी ये दिखाने लायी थी और नहीं तो क्या, पब्लिक और मैं तो कुछ और ही समझ रहे थे। ख्वाब दिखाता है अम्मा। लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि भाई साहब टीवी में जैसे ही बजती है बीन और हमारे नागू भाई साहब भी लाए। फिर नागू भाई साहब ऐसा डोलते हैं फिर कुछ नहीं बोलते हैं और काले नाग में बदल जाते हैं, जिसे देखते ही फटाकड़ी के पिछवाड़े में फटाका फूटता है और वो बाहर भागती है। लेकिन तब तक नागू वहाँ से भाग चुका होता है और बाहर आते ही फटाकड़ी को डराता है। अब रात होते ही नागिन नागू की जुदाई में गाना गाती है, 4 दिनों का प्यार वो रब्बा, लंबी जुदाई लंबी जुदाई। तुम्हारा से दूर होके कैसे जिया हुए रानी। इसके बाद फटाकड़ी पहन के कपड़े लाए कि स्पाइडर मकड़ी नागू से बोलती है कि चलो नहाने गंगा, बुड्ढा बुड्ढी को घर में छोड़ो और बाजार में होने दो हुड़दंगा। लेकिन बाजार में नागिन नागू को देख लेती है और इसके पीछे भागती है और भागती है।
फिर ये चेक शर्ट वाले अंकल बताते हैं कि ये सेठ गिरधारी लाल के बेटे की है। A few inches later, इधर खड़ूस वॉचमैन अंकल खैनी रगड़ते हुए बैठे होते हैं और नागिन बिना देर किए सेठ गिरधारी लाल के घर पहुंच जाती है। नागिन बताती है कि मैं अपने नागू को मिलने आई हूँ, लेकिन खड़ूस वॉचमैन उसे धक्के मार के भगा देता है। लेकिन नागिन स्नेक रूप धारण करके नागू के कमरे में घुस जाती है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। इसके बाद नागू जैसे ही नागिन को देखता है नागू खड़ा हो जाता है और इनका चरित्रहीन वाला मिलन होता है और दोनों डुएट गाते हैं, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इसके बाद नागिन बोलती है चलो, नागू अपने अपने बिल में घुस जाते हैं, लेकिन नागू बोलता है मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक इनका अपना बेटा इन्हें नहीं मिल जाता। इधर तांत्रिक घोरपड़े को पता चलता है कि नागिन इस भालू के शहर रामनगर में है। ये तो गड़बड़ हो गई भाई साहब। अब मम्मी जी नागू को बोलती हैं कि फटाकड़ी को यहाँ एक महीना हो गया है, लेकिन तू उसे भाव क्यों नहीं देता, इतना सख्त लौंडा कैसे बन गया रे तू। तो फिर वो मेरी कैसे बन सकती है? इसलिए फटाकड़ी अपने बड़े बड़े संस्कार दिखाना शुरू करती हैं, वो भी डांस करके। मैं बन के दिखाऊंगी। यहाँ तांत्रिक घोरपड़े जैसे ही नागिन को पकड़ने उसके घर जाता है, उसे पता चलता है कि नागिन नागू के पास चली गई है। और बिल्कुल ऐसे ही नागिन सेठगर धारीलाल के घर में घुस के अपना परिचय देते हुए कहती है मैं भारतीय नारी किस्मत की मारी अबला बेचारी, प्लीज गिव मी सम नौकरी चाकरी। और हमारे नागू भाई भी बोलते हैं लगती है। और माता जी बिना किसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के इस नागिन को घर में रखने के लिए तैयार भी हो जाती है। क्या माता जी क्या बताइए चोटी हूँ। इधर तांत्रिक घोरपड़े गुस्से में आग बगुला हो जाता है और इस बार लास्ट अटेम्प्ट करता है नागू और नागिन को पकड़ने के लिए, वो भी महायज्ञ से। और बड़े भाई साहब यज्ञ करने की बात कही थी आपने, ये क्या करवा रहे हैं। जिंगल आला हु हुर हुर, इन्हीं हरकतों की वजह से नागू नागिन को आप अब तक पकड़ नहीं पाए। कोई बैले डांस कर रही है, कोई नगाड़ा डांस कर रही है, कोई नागिन डांस कर रही है, और ये तो चरका ही बना दिया। अब जिस गाने पे तांत्रिक घोरपड़े महायज्ञ कर रहा है उसी गाने पे नागू नागिन भी जिंगल आला हु हुर हुर कर रहे हैं। और इस जंगली गाने का नशा ऐसा होता है कि नागू और नागिन गांजा भांग पीने वाले नशेड़ी की तरह मदमस्त होकर लधड़ते चले आते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों आ पाते तांत्रिक घोरपड़े के हाथ, तांत्रिक की बीवी पहुंच जाती है इन दोनों के पास और बोलती है सालों 6 घंटे से पूरे नाग बने पड़े हो, तू नहीं बताता। अरे बस कर बहू लेना आये नागमणि, अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। और ये दोनों नौ दो 11 हो जाते हैं और अपनी एकलौती बीवी की गद्दारी देख के घोरपड़े अपनी बीवी के पेट में त्रिशूल घुसेड़ देता है। अब यहाँ सेठ गिरधारी लाल का असली बेटा काजू नागू को पकड़ने के लिए घूम रहा होता है और हम सबको पता है कि काजू गजनी बन गया है। लेकिन सेठ गिरधारी लाल उसे नागू समझ के घर ले जाता है। तुम जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और काजू भी समझ जाता है इसका मतलब, वो सारा इच्छाधारी नाग इसी सेठ के घर में इसका छोकरा बन के रह रहा है। इधर नागू डोकरी दाई को बताता है कि वो उसका बेटा नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मैं शंकर भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। सेम टाइम सेम जगह काजू भी आ जाता है और इनको पता चलता है कि नागू नागू है और काजू काजू है। लेकिन काजू तो गजनी है, उसे लगता है कि वो घोरपड़े का बेटा है और दोनों के बीच भयानक युद्ध हो जाता है। बच्चों आज तो तेरे को नहीं छोडूंगा, मैं कहता हूँ बिल्ली बजाना। हुया तेरी मैया का सैया मारे बुन्ने मारे में तो हाँ।
जस्ट यही वाला, हाँ यही वाला ठोकर खा के काजू गजनी से चजनी बन जाता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उधर तांत्रिक घोर पड़े भी उसी टाइम नागू को पकड़ने के लिए पहुँच जाता है। बहुत देर तक चूहे की तरह उछल कूद करने और पकड़म पकड़ाई खेलने के बाद तांत्रिक नागू को पकड़ के ले जाता है। इधर घर वाले भी नागिन को घेर लेते हैं, लेकिन नागिन कुंग फू पांडा बन के खुद को डिफेंड करती है। डांस तो ठीक है देवी जी, लेकिन डिफेंड करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। A few moments later. अब भैया तांत्रिक घोर पड़े पूरा जी जान लगा देता है नागमणि पाने के लिए। और आखिरकार घोरपड़े को चमचमाती नागमणि की ट्रॉफी मिल जाती है। लेकिन तभी बाबा पोपटलाल अपना गला फाड़ते हैं। कल के सूर्यास्त से पहले तेरा वहाँ पहुँचना कठिन है और कल के सूर्यास्त के साथ साथ तेरे जीवन का भी सूर्यास्त हो जाएगा। घोरपड़े भाई साहब, शाम होने के पहले अमर कुंड जाइए और मस्त नहा धो के आइए, वरना आपकी बॉडी के चीतड़े हो जाएंगे। अब भैया तांत्रिक घोरपड़े को मिलती है आखिरी आस, जिससे हो जाएगी उनकी बॉडी ठीक ठाक। लेकिन उससे पहले नागू की नागिन आ जाती है उसके पास और वो उसे अमर कुंड में डुबकी लगाने से रोकती है, वो भी ऐसे अजीबो गरीब डुएट करके। अरे वाह देवी जी, क्या अदाए हैं, बट देखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बुड्ढा सामने पड़ा है, सांप बनके उसे डसने के बजाय उसकी छाती में गुदगुदी कर रही है मंद बुद्धि नागिन। अरे बेटा अभिषेक, अब तो ये खो खो खेलने लगी। बिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। बहुत देर तक अजीबो गरीब तांडव करने के बाद नागिन चमगादड़ बन जाती है। स्पाइडरमैन, बैटमैन, तूने चुराया इसके दिल का चैन। मेरे पापा को लड़की छेड़ रही है। लेकिन इसी छीना झपटी में हार के टूटते ही पिंजरा टूट जाता है और बाबा पोपटलाल आजाद हो जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक घोर पड़े बिन बजा बजा के नागिन को कीचड़ से भरे गड्ढे में डाल देता है। और खुद अमर कुंड में अपना बुंद धोने चला जाता है। अब मैं अमर कुंड में स्नान करूंगा, मुझे अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी बाबा पोपटलाल तांत्रिक घोरपड़े का प्लान चौपट करने आ जाते हैं। अबे कौन है ये ब्रूसली? मासूक अली। और फिर तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाता है। कांटे के बॉल से मार मार के घोरपड़े का पड़े घोर बना देते हैं। इससे भी मन नहीं भरता तो बिग साइज हसिया फाइट चालू हो जाती है। अब इधर फाइट चलती जाती है और दूसरी तरफ सूर्य भी अस्त हो जाता है। इसलिए तांत्रिक घोर पड़े बाबा पोपटलाल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने दिया जाए। लेकिन बाबा पोपटलाल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और शाम होते ही घोरपड़े का एक एक अंग गल गल के नीचे गिरने लगता है, जिससे घोरपड़े दुनिया से चल बसे। उसके बाद बाबा पोपटलाल नागिन और नागू को भी बचा लेता है और वे दोनों हवा में उड़ जाते हैं। कहानी खत्म। तो बस भाई लोग, आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई नाग या नागू हो तो उसका ध्यान रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।